और ये जो हार्ड वर्कआउट है ये दोस्तों स्पीड वर्कआउट है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। दोस्तों आज यहाँ पर हम मॉर्निंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर आज हमने यहाँ पर 10 मिनट जॉगिंग किया, इसके बाद हम यहाँ पर नॉर्मल ABC एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद 2 या 3 स्टार लगाएंगे और आज यहाँ पर हम हर्डल वर्कआउट करने वाले हैं। और ये जो हर्डल वर्कआउट है ये दोस्तों स्पीड वर्कआउट है। अगर आप 16 मीटर करते हो, उसके साथ 100 मीटर करते हो या लॉन्ग जंप करते हो तो उसके लिए स्पीड वर्कआउट है। और इस हर्डल वर्कआउट को करने से आपका स्पीड बढ़ेगा, आपके लेग में अच्छे से एक्सप्लोसिव मूवमेंट बढ़ेगा, मतलब आपको पैर को अच्छे से आप स्पीड से रनिंग कर पाओगे, अच्छे से लॉन्ग जंप लगा पाओगे और इस वर्कआउट के वजह से आपकी लॉन्ग जंप की हाइट अच्छी जाएगी, सभी सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। इसलिए हमें हर्डल वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। तो हम आज किस तरह से हर्डल वर्कआउट करते हैं यहाँ, और यहाँ पर हमारे एकेडमी के सभी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, वो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें सभी जो है वो महाराष्ट्र पुलिस भर्ती की तैयारी करते हैं, उसके साथ कोई एथलीट है जहाँ पर 400 मीटर की तैयारी करते हैं, उसके साथ लॉन्ग जंप की तैयारी करते हैं। तो हम आज किस तरह से वर्कआउट करते हैं अच्छे से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ मैं अभी कुछ नॉर्मल ABC करूँगा, उसके बाद 2 स्टाइल लगाऊँगा और फिर यहाँ पर सभी हम वर्कआउट करेंगे। तो चलो देखते हैं किस तरह से वर्कआउट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी हमने नॉर्मल ABC स्टार्ट लगाया, अब हम हर्डल वर्कआउट करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे वर्कआउट करना चाहिए। कहते हैं हर्डल वर्कआउट। अभी ये यहाँ पर दो एक्सरसाइज हुए और भी देखो किस तरह से एक्सरसाइज करना है, इससे आपका स्पीड जरूर बढ़ेगा। हमें हर्डल वर्कआउट करना चाहिए। अगर इस वर्कआउट को आप अच्छे से करते हो तो आपका स्पीड बढ़ेगा, आप 16 मीटर अच्छा लगा पाओगे, 100 मीटर अच्छा लगा पाओगे, लॉन्ग जंप अच्छा लगा पाओगे। इसलिए हर्डल वर्कआउट भी बहुत जरूरी है। अगर आपको अगर ये इक्विपमेंट है, हर्डल इक्विपमेंट है, तो आप इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। नहीं तो ये जो कोन है इस पर भी आप जो नॉर्मल यहाँ पर कर सकते हैं उसी वर्कआउट आप यहाँ पर कर सकते हो।